शबे बरात यानी छुटकारे की रात, जहन्नम से आजादी। जहन्नम से आजादी ये अगर इंसान की खोपड़ी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अब और फहम की दौलत अता फरमाई है, अगर ये सही और सलामत हो और अल्लाह इसे नूरे शहूर अता फरमा दे, तो दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी इंसान उसका सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा मकसद इस जिंदगी गुजारने का अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ ये हो सकता है कि वो इस दुनिया से जब जाए तो अपने आप को इस हाल में ले जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया। यानी जहन्नम से आजादी ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी और कोई कामयाबी खासकर एक बंदे मुस्लिम के लिए कोई और नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए कि जहन्नम की आजादी क्या चीज है, एक मुसलमान का, एक बंदे खुदा का जहन्नम से आजाद हो जाना इसका क्या मतलब है, इसको बहुत सारे साहबियों से, बहुत सारे एंगल से और बहुत सारे तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं एक मामूली सा हिसाब आपके सामने रखता हूं, शायद इसके जरिए हमें इस चीज की अहमियत समझ आ जाए कि जहन्नम से आजादी एक मुसलमान और एक बंदे खुदा की जिंदगी में क्या अहमियत और क्या मुकाम रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि आखिरत का एक दिन 50,000 सना 50,000 साल के बराबर होगा। आखिरत का एक दिन कितने साल का होगा जी? 50,000 साल। अब अगर आप एक दिन के लिए भी अगर आपको यह हुक्म सुना दिया जाता है कि तुम एक दिन के लिए जहन्नम में, कितने दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए, अगर आखिरत अल्लाह ना करे हमारे बारे में अगर रब की तरफ से यह हुक्म हो जाता है कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए जहन्नमी हो, तो पता है कि एक दिन के लिए अगर जहन्नम में जाने का हुक्म होता है तो इसका यह मतलब है कि इस दुनिया के 50,000 साल के लिए जहन्नम में जाने का हुक्म होता है। अल्लाह हु अकबर। यानी हमारी ये जो जिंदगी है ये कितने साल की, दुनिया की जिंदगी जी, उमूमन इस दुनिया में मौजूदा जमाने का इंसान कितने साल जीता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की दरमियानी जो जिंदगी की उम्र है वो 60 और 70 साल। तो अगर आप मैक्सिमम भी काउंट करें तो एक इंसान की जो मैक्सिमम एवरेज वाली जिंदगी है वो 70 साल है। अगर आप 50,000 साल 70 साल को डालें तो इस 70 को 50,000 साल पहुंचने के लिए कितने बार गुजरना पड़ेगा, 714 मरतबा। यानी अगर मैदान महशर में एक इंसान को एक दिन के लिए अगर जहन्नम में डाले जाने का फैसला होता है तो ये जो हमारी 70 साल की जिंदगी है ना, हम इस 70 साल के लिए 714 मरतबा पैदा किए जाए और 714 मरतबा हमें मौत आए और हर बार की जिंदगी हमें 70 साल की दी जाए, तब जाकर जहन्नम के एक दिन का आसाम कटेगा।
जिंदगी गुजार कर जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो जहन्नम का एक दिन पूरा होगा। अब आप यह अंदाजा लगाएंगे कि अगर किसी को दो दिन जहन्नम में रहने का हुक्म हो जाए, किसी को तीन दिन, किसी को चार दिन, किसी को हफ्ता भर, किसी को एक महीना, किसी को एक साल, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना हौलनाक मामला हो। मगर अल्लाह तबारक व तआला गफूर मौला, रहीम मौला, जिस पर हमारा कोई एहसान नहीं है और ना ही हम, अगर सारी जिंदगी पैदा होने से लेकर सांस की आखिरी, जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ सजदे में सर रखकर उसकी नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे, कोई और काम ना करे, तब भी अगर हम सोचे कि उसने सांसों का जो नाता अदा किया है, इन नाते में से एक सांस का बदला हमने अदा कर दिया, तो खुदा की कसम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद, उसकी हजार करम नवाजियों के बावजूद कि हम उससे कोई हक लेकर नहीं आए कि वो हमें जिंदगी अदा करेगा ही, और जिंदगी दे दिया तो फिर हम ये हक लेकर नहीं आए कि वो हमें जिंदगी भी खुशहाल जिंदगी देगा। लेकिन इसके बावजूद कि उसने हमें इख्तियार दिया, करम की बारिश फरमा दी, अताओं की बारिशें फरमा दी, नेमतों की बारिशें फरमा दी, लेकिन उसके बावजूद उसने सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी अजीम मौके हमें अता फरमाए। उन्हीं मौकों में से अजीम मौका शबे बरात का मौका है, जो इस साल मंगल और बुध की दरमियानी शब है, जिसके ताल्लुक से फरमाया गया कि ये शबे बरात है, यानी जहन्नम से छुटकारे की रात है, कि अगर बंदा इस रात में अपने रब के साथ तन्हा हो जाता है, अपने गुनाहों में शर्मिंदा हो जाता है, अपने गुनाहों का इकरार कर देता है, दिल से सच्ची तौबा कर देता है, अगर रब से सच्चा वादा करता है कि मौला मैं अपने उन गुनाहों पर जो मुझसे जाने अनजाने में हुए, सच्चे दिल से उनका इकरार करके तेरी बारगाह में पशीमान होकर, शर्मिंदा होकर तुझसे अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, और आइंदा जिंदगी के हवाले से तुझसे पक्की तौबा करता हूँ, तुझसे पक्का वादा करता हूँ कि आइंदा इन गुनाहों की तरफ नहीं लौटूंगा, तो आप यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ ये कि आपके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा, आपकी तौबा को कबूल फरमा देगा, बल्कि वो अजीम तमगा आपको अता फरमाएगा जिसे जहन्नम से छुटकारे और जहन्नम से आजादी का तमगा कहते हैं। और दोस्तों, अगर ये तमगा हमें मिल गया तो खुदा की कसम इससे बड़ा दुनिया और आखिरत में कोई और तमगा कोई और हमें नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला इस शबे बरात हमें, इस रात को हमारे लिए मकबूलियत की रात बना दे, जहन्नम से छुटकारे की रात बना दे और तौबा की कबूलियत की रात बना दे।